नमस्ते और आपका स्वागत है एक और ट्विन फ्लेम्स रियल टॉक वीडियो में। जो जर्नी होती है हीलिंग की, जो जर्नी होती है ट्विन फ्लेम यूनियन की, वो जर्नी में मेन प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि आप जो सिचुएशन है, जो स्टोरी है, जो आपके आसपास की रियलिटी है, आप वो रियलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर के जो दुनिया है, आपके मैनिफेस्टेशन करने के जो ताकत है, वो चीज़ के ऊपर आप फोकस नहीं करते हैं। और अगर आप मैनिफेस्ट करना भी चाहे तो आप कॉन्स्टेंटली फोकस करते हैं कि बाहर की रियलिटी में क्या हो रहा है, बाहर की तरफ कौन से चेंजेस आ रहे हैं। और यही प्रॉब्लम आपको वो डिज़ायर्ड स्टेट मैनिफेस्ट करने से रोकते हैं। सो हाउ टू मैनिफेस्ट अ डिज़ायर्ड स्टेट? आप जो स्टेट में है, जो भी स्टेट में आप इस वक्त है, उस स्टेट में रहते हुए आपको ये सोचना है कि आपको कौन से स्टेट में रहना है। ऑब्वियसली आपको यूनियन में रहना है, तो कंसिडर कीजिए कि आप ऑलरेडी यूनियन में हैं। तो अगर आप ऑलरेडी यूनियन में हैं, तो अब इस वक्त आपको यूनियन में रहते हुए कैसा महसूस हो रहा है? जैसा भी महसूस हो रहा है, उस एहसास को फील कीजिए। वो जो फीलिंग है, वो फीलिंग आपको आपके यूनियन के वाइब्रेशन के तरफ ले जाएंगे और आपके वाइब्रेशन तक पहुंचाएंगे। और ये जो आपके स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जहाँ पे आप ये चीज़ फील कर रहे हो, यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस आप फील कर रहे हो, वो रेजिस्टेंस है क्योंकि आपके रिसीविंग के ब्लॉक है, आपके कहीं ना कहीं डर है। ये जो मिस्टीरियस सी आइडिया है मैनिफेस्टेशन के, जो चीज़ आप देख नहीं पा रहे हो, बस महसूस कर रहे हो, ये प्रोसेस को लेके आपको जो डर सा लग रहा है कि ये एक रियलिटी है, वो एक रियलिटी है, और कैसे मैं ये इन दोनों रियलिटी के अलाइनमेंट में आऊँ, ये बहुत ही मिस्टीरियस सा, ओवरवेलमिंग सा एक इन्फॉर्मेशन है। जहाँ पे भी आपको ये वाले फीलिंग महसूस हो रहे, वो आपके एक रेजिस्टेंस है। तो वो जगह पे भी महसूस कीजिए कि अगर आपके ये रेजिस्टेंस नहीं होते और ये सारे रेजिस्टेंस चले गए होते और आपके ट्विन फ्लेम के साथ होते और अपने ट्विन फ्लेम के साथ खुश होते, तो तब आपको कैसा लगता? तो अभी भी जो भी रेजिस्टेंस आपको आ रहे हैं, शायद आपको थॉट सारे कि मेरे ट्विन फ्लेम के साथ चीज़ें ऐसे होंगे, चीज़ें वैसे होंगे, चीज़ें सही नहीं होंगे, शायद चीज़ें बदल गए हैं, समय बदल गए हैं, टाइम बदल गए हैं, बहुत सारे टाइम बीत गए हैं, बहुत सारे थॉट्स आपको आ सकते हैं। तो ये जो सारे थॉट्स आपको आ रहे, तो ये सोचिए कि आप कैसे रियलिटी चाहते हो, आपको कैसी रियलिटी चाहिए, कौन से रियलिटी में आप खुश रहेंगे, कैसे रियलिटी में रहते हुए आप कंप्लीटली खुश रहेंगे। और ये समझते हुए जो भी जगह पे आपको अभी भी डर वगैरह है कि अगर ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, तो वो स्टेट से अब सोचिए कि वो जो भी रीज़न को लेके आपके डर वगैरह है, वैसा कुछ हुआ ही नहीं है, जो भी हुआ था वो हो चुका है, अब जो होगा अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा, और आप एग्जैक्टली जैसे चाहते हो वैसे ही चीज़ें हो रहे हैं, और आप वही डिज़ायर्ड स्टेट में हो जहाँ पे आपके हर एक डिज़ायर फुलफिल हो रहे हैं। शायद आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, ऐसे तो नहीं हो रहे, अगर ऐसे नहीं हुआ तो, अगर उस वैसे हो गया तो, अब बहुत सारे लेयर से बाहर आ रहे हो, अंदर के बहुत सारे पैरेलल रियलिटीज़ के पॉसिबिलिटीज से बाहर आ रहे हो,
और ये जो पैरेलल रियलिटीज़ के पॉसिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें आपके इमोशंस के लेयर्स है, जो हर एक इंसान में ये इमोशन के लेयर्स कॉमन तरीके से फियर के लेयरिंग में डाले जाते हैं, क्योंकि ये एक फ्रिक्वेंसी के अनुसार है जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, चैनल करते हुए लेयर बाय लेयर। सो ये जो हर एक लेयर है, ये लेयर में अंदर जाते हुए, लेयर में फोकस करते हुए, एवरीबडी इन द कलेक्टिव गोज टू अ डीपर लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वो कौन है, और फाइनली वो ऑथेंटिसिटी में आते हैं, वो फियरलेसनेस में आते हैं। तो ये सोचिए कि आप ऑलरेडी वो फियरलेसनेस में हैं, गॉड लव्स यू, गॉड सीज यू, एंड ऑलरेडी आप वो फियरलेसनेस में आ गए हैं, एंड एज अ प्राइज ऑफ दैट यू डोंट नीड टू नो वॉट हाउ इट हैपेंड, बट इट हैपेंड, एंड इमेजिन यू आर ऑलरेडी इन दैट स्टेट। हाउ डू यू फील? ऐसे ही शिफ्ट करते हुए अपने डिफरेंट स्टेट और ये स्टेट को पकड़ के रखते हुए, और ये हर एक स्टेट में रहते हुए, और विश्वास करते हुए कि कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई मैजिक नहीं है कि ये चीज़ आपके साथ हो रही है, बट हाँ आपको ये प्रैक्टिस करना है, ये चीज़ आपको बहुत इजीली आने के लिए, क्योंकि ये अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तुरंत आप एक नेगेटिव स्टेट में चले जाएंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम मैं पॉजिटिव स्टेट में तो आती हूँ पर फिर से नेगेटिव स्टेट में चली जाती हूँ। इट वॉज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक इन माई क्लास, आई कॉन्ट रिमेम्बर हु आस्क्ड, आई थिंक अलका, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, शी हैड आस्क्ड इट। वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन। और यही जो प्रोसेस है कि आप नेगेटिव स्टेट में जा रहे हो, वही वक्त सोचिए कि अगर मैं पॉजिटिव स्टेट में रहती तो कैसा होता, तो अब मैं जो पॉजिटिव स्टेट में हूँ तो मुझे कैसा महसूस कर हो रहा है। अब जो महसूस कर रहे हैं आप, एक रेजिस्टेंस महसूस होगा, वो जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल रियलिटी तक, यानी कि वो इमोशन तक, आपके और भी इमोशनल लेयर्स के रेजिस्टेंस है जो आपके अंदर जम गया है, और वही इमोशंस को महसूस करते हुए, वही इमोशंस को फील करते हुए, वही हम इमोशंस के हर एक लेयर को परखते हुए आप वो स्टेट में पहुंच पाएंगे फाइनली, जहां पे आप खुद के साथ एक हो रहे हो, उसी डिजायर स्टेट में, जिस डिजायर स्टेट